यहाँ शाहरुख ने करीना को ताना मारा तो वहाँ सोनम ने पंजाबी मुंडो को मार दिया है ताना। सोनम ने कह दिया है कि पंजाबी लड़के बुद्धू होते हैं। अब भाई मानो ना मानो, सोनम का ये ताना कहीं ना कहीं उनके सावरिया और अच्छे दोस्त रह चुके एक खास शख्स पर फिट बैठता है। आखिर कौन है वो शख्स, आइए आपको दिखाते हैं। ये है सोनम का नया तकिया कलाम। इन दिनों सोनम कुछ ऐसा ही कहती फिर रही है। तो बॉलीवुड के सभी जेंट्स हो जाइए सावधान, अगर आपके मन में सोनम को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पनप रहा है तो इसी वक्त खुद को संभाल लीजिए, वरना आपको भी यही सुनने को मिलेगा। हाल ही में एक रोमांटिक नॉवल को लॉन्च करने पहुंची सोनम से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें प्यार में कभी धोखा मिला है, तो जानते हैं क्या कहा इस नकचढ़ी सोनम ने। आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सुना आपने क्या कहा इतराते हुए सोनम ने, इन्हें कोई धोखा नहीं देता बल्कि ये लोगों को धोखा देती हैं। बेचारे रणबीर, बेवजह ही लोग उन्हें कोसते रहते हैं, जबकि गुनहगार तो कोई और ही निकला। लेकिन इससे पहले कि आप किसी और नतीजे पर पहुँचे, जरा गौर कीजिए सोनम कुछ और भी कहना चाह रही हैं। पंजाबी बॉयज इज दैट दे डोंट नो व्हेन यू आर सेइंग नो, दे आर लाइक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट दे थिंक इन देयर हेड दैट यू नो इवन इफ शी इज सेइंग नो शी मींस यस। ऐसा कौन पंजाबी मिल गया? बहुत बहुत सारे लोग ऐसे। अरे ये क्या क्या डाला सोनम आपने, बुद्धू होते हैं पंजाबी लड़के। आखिर किस पर निशाना साध रही हैं आप सोनम, कौन है आपका शिकार, आखिर किस गबरू जवान ने कर दिया है आपको रुसवा। सोनम का पहला निशाना बना है एक नौजवान पंजाबी मुंडा, कहीं ये रणबीर कपूर तो नहीं। फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली सोनम का रणबीर के साथ लिंकअप के खूब चर्चे चले। जमाने से चुरा के ले जाएगा। लेकिन फिल्म बचना है हसीनों में दीपिका के साथ इनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हॉट केमिस्ट्री की वजह से सोनम और रणबीर अलग हो गए। रणबीर के बाद इनकी लाइफ में आया दूसरा पंजाबी मुंडा शाहिद कपूर। अब तोड़ ताना बाना, ले नाल तुझको जाना आसमान से परे। अब इश्क में मर जाना, अपना तो है ठिकाना आसमान से परे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मौसम में सोनम के को स्टार और लेटेस्ट लव इंटरेस्ट रहे शाहिद। नो किसिंग सीन्स कहने वाली सोनम शाहिद के साथ किसिंग सीन के लिए झट से तैयार हो गई। लेकिन जब से शाहिद और एक्स गर्लफ्रेंड विद्या के चर्चों का सिलसिला शुरू हुआ है, इनकी कहानी पर लग गया है फुल स्टॉप। तो आखिर कौन है जिसे सोनम ये ताना कस रही है। वैसे आई हेट लव स्टोरीज के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के साथ भी सोनम के लिंकअप की खबरें उड़ चुकी हैं, लेकिन सोनम ने तो इस मामले में वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स का जुमला सुना दिया। हालांकि ये मुंडा भी पंजाबी ही है, लेकिन सोनम आप ये क्यों नहीं सोचती कि आखिर आप भी तो पंजाबी हैं? खुद पंजाबी होकर दूसरे पंजाबी के लिए ऐसे ताने कसना अच्छी बात नहीं। रिचा आनंद, टीवी 9।